दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। सो आज की वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड दिस इज चैप्टर नंबर 18। सो अकॉर्डिंग टू द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 अंडर अ स्पेशल प्रोविजन, एन इंडस्ट्रियल कंपनी विच हैज एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एक्युमुलेटेड लॉसेस इक्वल टू और एक्सीडिंग इट्स एंटायर नेट वर्थ एंड हैज ऑल्सो सफर्ड कैश लॉसेस इन सच फाइनेंशियल ईयर एंड द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच फाइनेंशियल ईयर। डेफिनेशन थोड़ी घुमाने वाली थी ना? हाँ यार, एक्चुअली में ये डेफिनेशन ऐसी ही है, तो चलो अब इसे तोड़कर इसे समझते हैं। तो एक इंडस्ट्रियल कंपनी जो इंडस्ट्रियल सिकनेस की कैटेगरी में आती है, उस इंडस्ट्री ने अपने आप को कम से कम 7 साल से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन कराया हो, इट मींस उसका रजिस्ट्रेशन 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए। पहला टर्म ये हो गया। दूसरा, एन इंडस्ट्रियल कंपनी विच हैज एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एक्युमुलेटेड लॉसेस इक्वल टू और एक्सीडिंग इट्स एंटायर नेट वर्थ। मतलब एक इंडस्ट्री के पास किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो एक्युमुलेटेड लॉसेस होते हैं, अगर उन एक्युमुलेटेड लॉसेस की वैल्यू उसके नेट वर्थ के बराबर आती है या नेट वर्थ से एक्सीड कर जाती है, एंड दैट इंडस्ट्री ऑल्सो सफर्ड कैश लॉसेस इन सच फाइनेंशियल ईयर, और इन सभी एक्युमुलेटेड लॉसेस के बाद उस फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी को कुछ ना कुछ कैश लॉस जरूर होना चाहिए, और जिस फाइनेंशियल ईयर में ये कैश लॉसेस और एक्युमुलेटेड लॉसेस होता है वो फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर के प्रिसीडिंग होनी चाहिए। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 ने जो सिक इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन दी थी, उसको तीन पार्ट में स्प्लिट करना है। पहला तो वो कंडीशन कि सिक इंडस्ट्रीज के अंदर कौन सी कंपनी आती है जिसका रजिस्ट्रेशन 7 साल से कम का नहीं होता है, पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट ये, उस इंडस्ट्री को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एक्युमुलेटेड लॉसेस होने चाहिए, और ये एक्युमुलेटेड लॉसेस उसके नेट वर्थ के बराबर हो सकते हैं, नेट वर्थ से एक्सीड कर सकते हैं। दूसरा केस यहाँ पर खत्म। एंड द थर्ड पार्ट इज, अपार्ट फ्रॉम द एक्युमुलेटेड लॉसेस द कंपनी ऑल्सो फेस सम कैश लॉस ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? और लास्ट पॉइंट ये आता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में उस इंडस्ट्री को ये लॉस होता है वो फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग होनी चाहिए करंट ईयर की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और उस कंपनी ने 2014 में ये सारे लॉसेस बियर किए थे, तो उसको सिक इंडस्ट्रियल की कैटेगरी में कब रखा जाएगा? 2015 में। क्लियर है ना? तो 2014 वाली जो ईयर है, जिस ईयर में उसको लॉस हुआ है, वो इमीडिएटली प्रिसीडिंग होनी चाहिए करंट ईयर की, विच इज 2015। आई थिंक ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर अभी भी ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है तो मैं आपको दूसरी डेफिनेशन बता देता हूँ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी थी। So according to Reserve Bank of India, a sick unit is that which has incurred cash loss for 1 year and is likely to continue incurring losses for the current year as well as in the following year. The unit has an imbalance in its financial structure such as the current ratio is less than 1:1 and there is a worsening trend in the debt equity ratio. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार एक सिक यूनिट वो यूनिट होती है जो कैश लॉस इनकर्ड करती है इन द करंट ईयर, और उस यूनिट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स है उन ईयर्स में भी वो लॉस सफर करने वाली है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उस यूनिट का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो भी वर्स हो जाता है, सच डेट उसका करंट रेशियो 1:1 से कम होना चाहिए, और जो डेट इक्विटी रेशियो होता है उसकी कंडीशन भी वर्स होने लगती है। सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद अब दूसरा टॉपिक आता है, सिम्टम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स बताए गए हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बताए गए हैं जिसको देखकर बता सकते हैं कि वो इंडस्ट्री सिक यूनिट्स की कैटेगरी में आती है या नहीं आती है, जिसमें पहला आता है डिमेरिट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट के पास कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, इट मींस वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रही है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो उस सिचुएशन को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि वो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट की कैटेगरी में हो सकती है। नेक्स्ट इज नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। उस इंडस्ट्रियल यूनिट ने जितने भी लोन ले रखे हैं, लोन का मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर उन लॉन्ग टर्म लोन्स पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पा रही है,
वो उन पेमेंट्स को लेकर बार बार डिफॉल्ट हो जा रही है। तो इस सिचुएशन को भी देखकर क्या बता सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स की कैटेगरी में आ सकती है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेना तो समझ में आता है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल यूनिट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बार बार यूज कर रही है तो इस सिचुएशन को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि उस इंडस्ट्रियल यूनिट में सिकनेस की सिचुएशन है या नहीं है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन रेगुलर सेल्स। जाहिर सी बात है, किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट की जब रेगुलर सेल्स कम होने लगती है, पहले 100 थी, फिर 80 हुई, 50 हुई, 30 हुई, तो इस सिचुएशन को देखकर भी तो बता सकते हैं कि उस इंडस्ट्रियल यूनिट में सिकनेस की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो अगर किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डाउनवर्ड ट्रेंड आता जा रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही है, या बोल सकते हो जितनी भी वर्किंग कैपिटल थी उस वर्किंग कैपिटल में एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया है, तो इस सिचुएशन को देखकर बता सकते हैं कि उस इंडस्ट्रियल यूनिट में सिकनेस की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है या नहीं कर रही है। सो दिस इज द शॉर्ट टॉपिक रिलेटेड टू द सिम्टम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस।